बेंगलुरु के शिवाजी नगर से बीबी तबस्सुम और सारिया कुरैशी नामी दो बहनें अपने हाथों से काफी खूबसूरत कुरान लिखी हैं, जिसको देखने लोगों का हुजूम जमा हो रहा है। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन कुरान को मिटाने की हजारों साजिशें कर रहे हैं, पर जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है उसको मिटाना किसी के बस की बात नहीं। पिछले 4 साल से ये दो बहनें एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क के जरिए कुरान लिख रही हैं और कुछ ही वक्त में कुरान मुकम्मल हो जाएगी। एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क के जरिए कुरान लिखना कोई आसान काम नहीं है। इन दोनों बहनों ने इस काम को अंजाम देकर पूरे कर्नाटक का नाम रोशन कर दिया है। 6 पारों को एक किताब में लिख कुरान को कुल 5 किताब में तकसीम किया गया है, जिसके अब तक 4 किताब मुकम्मल हो गए हैं। शिवाजी नगर MLA रिजवान अरशद इन बहनों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे और एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क के जरिए लिखी खूबसूरत कुरान को देख खुशी का इजहार किए हैं। रिजवान अरशद ने कहा, इतनी खूबसूरत कुरान शायद दुनिया में कहीं मौजूद नहीं होगी जिसे हाथ से लिखा गया हो। बीबी तबस्सुम और सारिया कुरैशी ने तमाम डिटेल्स बताते हुए कहा, जल्द कुरान को मुकम्मल कर मदीना के लिए रवाना होंगे। दूर दूर से लोग इनके घर पहुंचकर हाथ से लिखी कुरान को देख हैरान हैं। दिन रात मेहनत करने पर 4 सालों में 24 पारे लिखे गए हैं और 6 पारे लिखना बाकी हैं। बहुत जल्द कुरान को मुकम्मल कर मदीना मुनव्वरा के लिए तोहफा दिया जाएगा। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. अल्लाह को जो है दो बच्चियों ने एक अलग अंदाज से पेश किया है, तो क्या जो है आपके तासुरात हैं? आज मेरे लिए बहुत खुशी और मसर्रत की बात है कि हमारे हलके में शिवाजी नगर में दो बहनें तबस्सुम और सुरैया कुरैशी दोनों बहनों ने मिलकर चेन स्टिच के ज़रिए, जो उनका हैंड वर्क है उसके ज़रिए कुरान शरीफ की तकमील की है, कि बनाने की कोशिश की गई है और इतना खूबसूरत बनाया है कि मेरा ख्याल शायद ही दुनिया में किसी ने ये कोशिश की होगी पहले, और तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, देखना है कि कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई जो सोच नहीं सकता उस काम को इन्होंने किया है। और देखने के बाद मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत कुरान शरीफ मैंने पहले कभी नहीं देखा, और जो मेहनत इनकी लगी है ये ज़रूर अल्लाह की मर्ज़ी से हुई है, वहीं से हिदायत हुई है इन्हें। तो आज उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर से पूरा कुरान इस चेन स्टिच के ज़रिए मुकम्मल कर इनकी ख्वाहिश है कि मदीना शरीफ ले जाएं। और मैं दुआ करता हूं और इनको मैं ज़रूर इसका मुंतज़िर हूं कि ये कुरान शरीफ पूरा करें और मदीना शरीफ ले जाएं। इनको मेरे तरफ से ज़ाती दिली मुबारकबाद। किस तरह जो है इसकी शुरुआत की गई? कलामुल्लाह जो है दुनिया का सबसे बड़ा काम माना जाता है, किस तरह जो है आपको ख्याल आया कि इसको जो है इस तरह बनाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बीबी तबस्सुम। मेरा पैशन है आयतें तहरीर करना, आर्ट बनाना, कढ़ाई करना। जब एक दिन मैं आयतें तहरीर कर रही थी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं मुकम्मल कुरान बनाऊं तागे के ज़रिए, तो मैंने और मेरी बहन ने मिलकर इसकी शुरुआत की। तकरीबन 4 साल हो रहे हैं इसको शुरू करते हुए। मेरी ख्वाहिश है कि इस कुरान शरीफ को मुकम्मल करके मदीने में तोहफे के तौर पर लेके जाऊँ, और मैं मेरे रब का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें इस लायक समझा कि हम इस कुरान शरीफ को अपने हाथों से बनाएं। और मैं हर एक का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देने के लिए। आप चाहते हैं कि मदीना तक पहुँचाया जाए, इसके लिए क्या जो है तैयारियाँ हैं, क्या कोई कॉन्टैक्ट बना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मोहम्मद राशिद खान जो सऊदी अरबिया में डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंटर हैं अब एट प्राइवेट ऑफिस ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सऊद में, वो मदद कर रहे हैं इस कुरान शरीफ को मदीने तक ले जाने में, हमारा साथ दे रहे हैं। मैं तहे दिल से उनका भी शुक्र अदा करती हूँ। हमारे MLA मिस्टर रिजवान अरशद का भी तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ।
मिस्टर शकील अहमद का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ यहाँ पर आकर हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी दुआएं देने के लिए। दुनिया को जो है एक अलग ही फन से आपने आरास्ता किया है, मैंने एक कुरान अल्लाह के कलाम के अलग अंदाज से आपने पेश किया जिससे जो है दुनिया कलमकारी भी कह रहे हैं या फिर आरी कह रहे हैं या हैंड वर्क, क्या एक्चुअली किस तरह जो है इसकी शुरुआत हुई? जी इसकी शुरुआत मेरी बहन को ख्वाहिश थी कि ये कुरान बनाना है, मदीने में तोहफे के तौर पे लेके जाना है, तो हम लोगों ने शुरुआत की इसके लिए। तो कितना जो है अरसा लगा इसको तैयार होने में? 4 साल का वक्त लगा। पहले तो थोड़ा बहुत 6 महीने प्रैक्टिस लिए, कैसे करना, क्या करना, कैसे बनाना, हैंडराइटिंग कैसे लिखना, इन्होंने हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस की, मैंने हैंडवर्क में प्रैक्टिस की, फिर 6 महीने के वक्त में जब सही लगा कि हाँ अभी हम कर सकते हैं तभी शुरू किया। तो 4 साल में जो कितने पारे मुकम्मल हुए हैं? क्या अभी 24 पारे मुकम्मल हुए हैं? इंशाल्लाह वक्त तो नहीं बता सकते, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। किताब में कितने पारे जो है? एक किताब में 6-6 पारे हैं, 5 में तकसीम किया है, 6-6 पारे 5 किताबों में तकसीम किया है। तो अभी कितनी किताबें जो तैयार हैं? अभी 3 किताबें तैयार हैं, 4वीं होने वाली है, बाइंडिंग करना है, अभी थोड़ा बहुत काम है इसका। तो किताबें तैयार करने के बाद क्या मंसूबा है? मदीने में तोहफा देने के लिए देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ अज़बाब तैयार हुए? अल्लाह की तरफ से हर तरीके से मदद तो मिल रही है। जो काम इतना आलीशान काम जो अल्लाह की कलाम पाक अपने हाथों से जो बनाए, हम सब हमारे MLA साहब की तरफ से, शकील अहमद, शुजा भाई और जितने भी हैं, हम बहुत 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 ये आकर देखे ना, हमारे वास्ते एक बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बड़ी बात, वो भी हमारे हलके में, हमारी एरिया में आप लोग इतना बड़ा ये किए हैं, कारनामा किए हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आपके हाथों में वो मैं क्या बोले करिश्मा दिया जो आप इतना मुमकिन कर सके, हम सब सहे दिल से आपको मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भी एरिया में इतने प्यारे, इतना आलीशान कारनामा आप लोग करें, हम बहुत 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 दिल से आप सबको शाबाशी देते हैं और शुक्रगुजार। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bari Hill Circle Ring Road, Gulbarga.